नमस्कार, आप देख रहे हैं लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब अपने परिवार के साथ बहुत बेहतर होंगे, बहुत कुशल मंगल से होंगे और सब कुछ आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा चल रहा होगा। आज एक और खास विषय को लेकर हम आपके बीच मौजूद हैं और आज बात करेंगे नाम जप के गुप्त प्रभाव के वर्णन की। देखिए, भगवान का नाम क्या नहीं कर सकता। भगवान का नाम मंगलकारी नाम दुखियों का दुख मिटा सकता है, रोगियों के रोग मिटा सकता है, पापियों के पाप हर लेता है, अभक्त को भक्त बना देता है, मुर्दे में प्राणों का संचार कर सकता है। भगवान नाम जप से क्या फायदा होता है, कितना फायदा होता है, इसका पूरा बयान करने वाला ना ही आज तक कोई वक्ता पैदा हुआ है और ना ही भविष्य में होने वाला है। हाँ, लेकिन कुछ उदाहरण हैं और उन्हीं के आधार पर हम आपको आज नाम जप के गुप्त प्रभाव का वर्णन बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर इतना खास क्यों है। देखिए, नारद जी पिछले जन्म में विद्याहीन, जातिहीन, बलहीन दासी पुत्र थे। साधु संग और भगवान नाम जप के प्रभाव से वे आगे चलकर देवर्षि नारद बन गए, सिर्फ नाम जप के कारण। साधु संग और भगवान नाम जप के प्रभाव से ही कीड़े में से मैत्रेय ऋषि बन गए। परंतु भगवान नाम का जप की महिमा इतनी ही नहीं है, जीव से ब्रह्मा बन जाए इतनी भी नहीं है। भगवान नाम व मंत्र जप की महिमा तो लाभयान है। जी हां, लाभयान। देखिए, श्रद्धा बहुत ही खास चीज होती है। विश्वास और श्रद्धा का मूल्यांकन करना संभव नहीं है। जैसे अप्रिय शब्दों से अशांति दुख पैदा होता है, ऐसे ही श्रद्धा और विश्वास से अशांति शांति में बदल जाती है, निराशा आशा में बदल जाती है, क्रोध क्षमा में बदल जाता है, मोह समता में बदल जाता है, लोभ संतोष में बदल जाता है और काम राम में बदल जाता है। इसलिए कहते हैं कि नाम जप में काफी बल है। श्रद्धा के बल से शरीर का तनाव शांत हो जाता है, मन संदेह रहित हो जाता है, बुद्धि में दुगनी तिगुनी योग्यता आती है और अज्ञान की जो परतें लगी हुई हैं वो सारी परतें साफ हो जाती हैं। देखिए, भगवान नाम स्वयं भगवान स्वरूप है, सत्य की प्रतिष्ठा उन्होंने अपने अनेक रचनाओं या क्रियाओं में की है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं किया है। नाम लेने से नामी का ही ज्ञान होता है और नाम ही रूप को जन्म देता है और नाम रूप आश्रय से ही भगवत भक्ति की हमें प्राप्ति होती है। चलिए रामचरितमानस की बात करते हैं। रामचरितमानस को प्रारंभ करने के पश्चात बालकांड में ब्रह्मा विष्णु और महेश का निवास है। यह वेद का प्राण है। देखिए, इसके गुप्त प्रभाव के वर्णन को हम जानते हैं, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आप तक पहुंचे। देखिए, काशी में मुक्ति की जो बात कही जाती है और कहते भी हैं कि काशी में मुक्ति यदि मिल जाती है तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। नाम जप के गुप्त प्रभाव का वर्णन यही है कि भगवान शिव मरने वाले इंसान के कान में आकर राम का नाम कहते हैं। जी हां, राम शब्द कहते हैं कान में आकर, वो भी उस इंसान के मरने के दाहिनी कान में राम नाम बोल देते हैं। ऐसा करने से उस इंसान को मुक्ति मिल जाती है। देखिए, नाम जप का प्रभाव सूक्ष्म किंतु बहुत ज्यादा गहरा होता है। कहा जाता है कि जब लक्ष्मण ने मंत्र जप कर सीता जी की कुटीर के चारों तरफ भूमि पर एक रेखा खींच दी थी, आपको याद होगा, तो लंकाधिपति रावण तक उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाया था। क्यों पार नहीं कर पाया था, क्या कभी सोचा है आपने? भगवान के नाम का जप सभी विकारों को मिटाकर दया क्षमा निष्कामता आदि देवी गुण को प्रकट करता है। उनके नाम के जप मात्र से दुख चिंता भय शोक जितनी भी समस्याएं हैं रोग सारे निवृत्त हो जाते हैं। सुख और शांति हमें मिलती है, सुख और शांति हमें प्राप्त होती है, सफलता प्राप्त होती है, जिससे मनुष्य के अंदर शक्ति और सामर्थ्य पैदा होने लगता है, बुद्धि का विकास होने लगता है, आत्मविश्वास पैदा होने लगता है, वो आत्मविश्वास जो कहीं आज के दौर में खो गया है। मनुष्य के अपने पाप भस्म होने लगते हैं, उसका हृदय शुद्ध होने लगता है और ऐसे करते करते एक दिन उसके हृदय में भगवान विराजने लगते हैं। इसके साथ ही तुलसीदास जी की बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। वो तो ये भी कहते हैं कि भगवान राम से बड़ा उनका नाम है। इसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि अहंकार ही परमात्मा का आहार होता है।
रावण को किसने मारा? रावण को उसके अहंकार की वजह से प्रभु श्री राम ने मारा। भगवान राम ने शूद्रों को यह वरदान दिया था कि उन्हें कोई जप तप करने की आवश्यकता नहीं है, केवल राम का नाम सुमिरन करना ही काफी है मुक्ति के लिए। आप सोच सकते हैं मुक्ति के लिए सिर्फ यदि राम नाम हम बोलते हैं तो हमें मुक्ति हो जाएगी, कितनी खास बात है। कलयुग केवल नाम आधारा। चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में कठिन तपस्या, जप, यज्ञ इतना जरूरी नहीं है, केवल सहृदय में राम नाम का सुमिरन ही मुक्ति का आधार होगा। तो आप ये मानकर चलिए कि यदि आपको मुक्ति चाहिए तो आपको प्रभु श्री राम का नाम जरूर जपना होगा। और इसके साथ हमने आपको बताया नाम जप में आखिर कितनी ताकत होती है, कितनी महत्वता होती है। देखिए यहां पर एक बात बड़ी साफ है कि आज का दौर कलयुग का दौर है, और इस कलयुग के दौर में यदि आप चाहते हैं कि हमें मोक्ष मिले, और यदि आपको वाकई में मोक्ष चाहिए, तो आप सबसे पहले कुछ खास बातें जरूर करें जो कि हमने आपको वीडियो में बताई हैं। कई ऐसे वीडियोस भी हमने आपको बताए हैं कलयुग के दौर में सबसे ज्यादा खास क्या है। आज के दौर में सबसे ज्यादा खास है दान करना, प्रभु का नाम लेना, भक्ति के मार्ग पर चलना, आध्यात्म के मार्ग पर चलना। यदि हम आध्यात्म के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, भक्ति के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, जिन लोगों को आज के दौर में जरूरत है दो वक्त की रोटी की, यदि हम उन्हें वो भी नहीं दे पा रहे हैं, यदि हम किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं, हम सिर्फ अपना ही सोच रहे हैं। और आज का दौर तो ऐसा है कि यदि आप अपने रास्ते पर भी चलेंगे तो भी आपको लोग परेशान करने से पीछे नहीं हटेंगे, ये सारी नकारात्मक शक्तियां आपके पीछे जुड़ जाएंगी। तो इससे निकलने का एक ही मार्ग है, नाम जप करिए, भगवान का नाम लीजिए। भगवान से बड़ा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आप सुबह उठिए, अपने दफ्तर जाइए, या आप कहीं और भी जाते हैं, यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आप अपने ऑफिस जाएंगे, वहां पर जाइए, लेकिन भगवान का नाम जरूर लीजिए। सुबह पूजा अर्चना जरूर कीजिए, मंदिर जरूर जाइए, हो सके तो 2-4 रुपए दान करिए, या अपने घर से बना हुआ कुछ ले जाइए, 1 रोटी 2 रोटी गौ माता को आप खिला सकते हैं, आप ऐसे लोगों को दे सकते हैं जिनको वाकई में उस चीज की जरूरत होती है। लेकिन साथ ही साथ आप नाम जप जरूर करिए। आप कभी नहीं भूलिए कि प्रभु की भक्ति में ही सब कुछ निहित है। और तुलसीदास जी की यदि हम बात मानते हैं तो उन्होंने तो ये लिख कर गए हैं कि सिर्फ राम का नाम आप यदि कलयुग में लेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो सोचिए इस नाम में कितनी शक्ति है, कितनी भक्ति है, और कितनी ताकत है जो आपकी सारी परेशानियों को दूर कर सकता है। तो आज नाम जप के गुप्त वर्णन की जानकारी हमने आपको दी है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप कोई सवाल जवाब हमसे करना चाहते हैं तो जरूर आप आमंत्रित हैं, आप सवाल और जवाब हमसे कर सकते हैं। हम कोशिश यही करेंगे कि सही जानकारी आप तक पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही। जय माता की।